क्वींस, कैसी है मेरी क्वींस आज? आज है हमारा तीसरा नवरात्रा, यानी कि माँ चंद्रघटा का दिन। माँ चंद्रघटा हम सभी में कहीं ना कहीं विकसित है, कहीं ना कहीं छिपी बैठी है। माँ चंद्रघटा के साथ आज हम जानेंगे मैं कौन हूँ प्रश्न का हमारा तीसरा जवाब। हर नवरात्रे के साथ हम लोग मैं कौन हूँ का एक नया जवाब उजागर करती चली जा रही हैं क्वींस। माँ चंद्रघटा हमारे मानसिक रूप का एक विवरण देती है। चंद्र यानी कि मन का प्रतीक, चंद्रघटा यानी कि मानसिक भावनाओं का प्रतीक। माँ चंद्रघटा साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में हमें ये समझाती है कि जिस प्रकार चंद्र के बहुत सारे रूप हमें दिखाई पड़ते हैं 15 दिनों में, कभी चढ़ते हुए 15 दिन, कभी उतरते हुए 15 दिन, बिल्कुल उसी प्रकार एक औरत, एक क्वीन की मानसिक भावनाएं, एक माँ की मानसिक भावनाओं के भी चढ़ते उतरते बहुत सारे मानसिक रूप होते हैं। जब तक हम अपने हर एक रूप को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, अपना नहीं लेते, तब तक हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रतिक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाते, खुद को रोक लेते हैं कहीं ना कहीं। जिस प्रकार चंद्रमा चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन हम अक्सर उनका कंप्लीट आकार, उनका पूर्ण आकार देख पाते हैं या समझ पाते हैं कि वे संपूर्ण हैं, उसी प्रकार माँ चंद्रघटा हमें समझाती हैं कि हमारी मानसिक घटा, हमारी मानसिक भावना चाहे कोई भी हो, हम लोग अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। इस बात को समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है कि हम अपने मोबाइल फोन्स, जिनका साथ हम लोग कभी नहीं छोड़ पाते क्वींस, उनका सहारा लें, अपने मोबाइल फोन पर हर घंटे एक अलार्म लगाएं, निश्चित समय पर। जब जब हर घंटे में वो अलार्म बजेगा, तुम्हारे फोन पर 3 क्वेश्चंस डिस्प्ले हो जाने चाहिए। 3 प्रश्न तुम उसी समय अपने आप से पूछोगी। पहला सवाल, इस समय मेरी मानसिक भावना क्या चल रही है? क्योंकि आधे से ज्यादा समय हम लोग अपनी मानसिक भावनाओं को देख ही नहीं पाते, और जब वो अननोटिस्ड हमारे अंदर प्रतिक्रियाएं करती चली जाती है, हम देखते हैं कि धीरे धीरे हम किसी न किसी मानसिक त्रुटि का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग सजग ही नहीं होते अपनी मानसिक भावनाओं को लेकर। तो इसीलिए पहला सवाल हर घंटे तुम्हारे सामने ये आना चाहिए कि इस समय मेरी मानसिक भावना क्या है। वो तुम्हें बताएगी तुम्हारी दिल की धड़कन, तुम्हारे अभी उस टाइम के आचार विचार किस तरह से चल रहे हैं, क्या तुम शांत महसूस कर रही हो या तुम किसी बात के लिए परेशान हो। अगर परेशान हो तो तुम अपने आप को दूसरा क्रिया के अंदर बिजी करोगी, और वो दूसरी क्रिया होगी सांस लेना, 3 डीप ब्रेथ्स लेना। चाहे तुम कैसा भी महसूस कर रही हो, दूसरे नंबर पर तुम 3 लंबी सांसें लोगी। 3 लंबी सांसें लेने से क्या होता है कि हम अपने ब्रह्मांड के अंदर की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो हम अंदर वाली सांस से पहले गैदर करते हैं, एकत्रित करते हैं। इस तरह हमारा ब्रह्मांड बढ़ जाता है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वही एकत्रित की हुई पॉजिटिव एनर्जी हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में दे पाते हैं। 3 लंबी सांसों से हमें किसी भी तरह के नकारात्मक विचारधारा से ब्रेक मिलता है, और हम अपने प्रेजेंट टेंस में आने की पूरी पूरी काबिलियत रखते हैं। तीसरा और आखिरी सवाल या प्रतिक्रिया इस समय पर हर घंटे अलार्म के साथ जो तुम्हें करनी है वो है, जिस भी नकारात्मक भाव या जिस भी नकारात्मक सोच में तुम डूबी हुई थी, उसे हटाकर उस सिचुएशन की पॉजिटिव थॉट को, उस सिचुएशन के पॉजिटिव आउटकम को तुम्हें दोहराना है खुद के सामने बार बार। इस तरीके से तुम चंद मिनटों के लिए अपने आप को कॉन्शियसली देख पाओगी, परख पाओगी और अपने आउटकम को चेंज कर पाओगी पॉजिटिवली। तुम जान पाओगी कि जिस तरह चंद्र घटा माँ हर बार सिर्फ ये डिपिक्ट करती हैं कि हमारी मानसिक भावना, हमारी मानसिक स्थिति एक घटा के समान है,
हमारे मन पर एक घटा के समान है, यानी हमसे अलग है। हम वो मानसिक स्थिति नहीं है। अगर तुम उदास हो तो उदासी केवल एक घटा है जो आई और चली जाएगी। तुम वो उदासी नहीं हो। अगर तुम परेशान हो, गुस्से में हो, घृणा में हो, ईर्ष्या में हो, तो ये सभी भाव केवल एक घटा के समान है जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन चंद्र वैसे का वैसा परिपूर्ण रहता है। यही एक टेक्निक जो हर घंटे अलार्म क्लॉक के साथ तुम करती चली जाओगी, तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से जोड़ता चला जाएगा, तुम्हें एहसास दिलाता चला जाएगा कि हर मानसिक त्रुटि, हर भावना, हर आचार विचार केवल एक घटा के समान है और तुम चंद्रमा की तरह परिपूर्ण हो, कंप्लीट हो, वैसी की वैसी सुंदर हो और सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई हो। ठीक मेरी क्वीन, आई होप तीसरे नवरात्रे का चंद्र घटा माँ का ये आशीर्वाद, उनका दिया हुआ ये संदेश तुम अपने जीवन में उतार पाओगी और मैं कौन हूँ प्रश्न के और ज्यादा करीब पहुंच पाओगी। ठीक, आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना और नवरात्रों को परिपूर्णता से निभाना।